गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। विगत कक्षाओं में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे छात्रगण, और दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे। किस प्रकार से गुजरात अभियान में नुसरत खान ने मलिक काफूर नामक हिजड़े को अलाउद्दीन खिलजी को उपहार स्वरूप दिया था, और यही व्यक्ति हजार दिनारी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इस व्यक्ति ने संपूर्ण दक्षिण भारत को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष रख दिया था और साबित कर दिया था कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। छगन, आज उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तर भारत के अभियान में हम लोग अगले अभियान की ओर चलेंगे छगन, और वह अभियान है रणथंभौर अभियान। नंबर 2 लिखेंगे छगन, रणथंभौर अभियान। अभियान देखिए 1301 में, 1301 में इस अभियान के समय यहां के राजा हमीर देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारा गया था। क्या सवाल आएंगे छात्र, गौर कीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान कब किया था? 1301 में। छात्रगण, राजस्थान का एक राज्य था ये रणथंभौर, इसके राजा कौन थे? यहाँ के हमीर देव थे। छात्रगण, इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान का सेनापति नुसरत खां मारा गया था, और इसके मारे जाने के बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी ने इस राज्य पर फतह हासिल कर ली, अधिकार कर लिया। हमीर देव ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ध्यान दीजिएगा छात्रगण, अगला लिखेंगे छात्रगण, मेवाड़ या चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान देखिए 1303 में अलाउद्दीन ने मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह की अत्यंत खूबसूरत पत्नी रानी पद्मिनी या पद्मावती रानी पद्मिनी या पद्मावती के खूबसूरती से आकर्षित होकर खूबसूरती से आकर्षित होकर इस अभियान को अंजाम दिया था नेक्स्ट, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। नेक्स्ट, इस युद्ध में
इस युद्ध में राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 14,000 राजपूत कन्याओं के साथ 14,000 राजपूत कन्याओं के साथ साथ जलती चिता में कूदकर जौहर व्रत का पालन किया जौहर व्रत का पालन किया किया नेक्स्ट अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। बाद रख दिया रख दिया छतगन मेवाड़ अभियान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबरदस्त है और एक एक चीजों को आपको ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को आपको मनन करना होगा, एक एक चीजों को आपको स्मरण करना होगा, एक एक चीजों को आपको याद रखना होगा। छतगन ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आता है, इसलिए आपको छात्रगण इस पर पैनी निगाह रखनी होगी, ध्यान देना होगा, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों को छात्रगण स्मरण करना होगा, ध्यान दीजिएगा। छात्रगण आप लोगों ने फिल्म पद्मावत देखी होगी, राणा रतन सिंह का रोल शाहिद कपूर ने किया, पद्मिनी या पद्मावत का रोल, पद्मावती का रोल दीपिका पादुकोण ने किया था और अलाउद्दीन खिलजी का किरदार को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया था, जीवंत कर दिया था छतगन रणबीर सिंह ने। छतगन यह किरदार जो उसने निभाया, शायद अलाउद्दीन खिलजी भी उतना क्रूर नहीं होगा जो किरदार उन्होंने निभाया है। छतगन रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत महिला थी, इतनी आकर्षक महिला थी, इतने आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी थी कि अलाउद्दीन खिलजी उनकी सुंदरता के किस्से सुन करके ही मेवाड़ पर आक्रमण करने को तैयार हो गया। छतगन 1303 ईस्वी में अपनी विशाल सेना को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। छतगन मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह थे, वीरतापूर्वक लड़े लेकिन लौते लौते वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने प्राण जाए पर वचन न जाए राजपूती आन बान और शान का परिचय देते हुए 14,000 राजपूत कन्याओं के साथ जलती चिता में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसे जौहर व्रत कहा जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के गलत मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया छतगन, ये थी राजपूती आन बान और शान। छतगन मेवाड़ को तो जीत गया अलाउद्दीन खिलजी लेकिन रानी पद्मिनी को नहीं जीत पाया और मेवाड़ अभियान उसका असफल रहा। छतगन मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, जिसका नाम उसने खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था, यह भी आपको ध्यान रखना होगा, यह भी मनन करना होगा, यह भी अध्ययन करना होगा। पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ अभियान कब किया था, 1303 में। मेवाड़ की राजधानी कहां थी, चित्तौड़ थी। मेवाड़ के राजा कौन थे, राणा रतन सिंह थे। मेवाड़ अभियान किस उद्देश्य से किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, रानी पद्मिनी को पाने के लिए, रानी पद्मिनी या पद्मावती की खूबसूरती से आकर्षित होकर के उसने इस अभियान को अंजाम दिया था।
मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रख दिया गया था? खिजराबाद रख दिया गया था। खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया गया था। ध्यान दीजिएगा छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। एक एक चीजों पर पैनी निगाहें, एक एक चीजों का ध्यान, एक एक चीजों का मनन, एक एक चीजों का अध्ययन आपको आगे ले जाएगा और आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा छात्रगण। तो इस कहानी को याद रखिएगा छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसी कहानी पर पद्मावत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा इसे भी छात्रगण, लिखिएगा। प्रसिद्ध इतिहासकार मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मिनी एवं राणा रतन सिंह की कहानी पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत की रचना की थी। है ना। और पद्मावत जो फिल्म बनी थी छात्रगण, इसका डायरेक्शन किया था निर्देशक थे संजय लीला भंसाली, इसे भी याद रखिएगा। क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी थी ना, विरोध बहुत हुआ था, करनी सेना ने पूरे देश में पोस्टर फाड़ दिए गए थे, है ना। तो नाम भी बदलना पड़ा था, पद्मावत नाम रखना पड़ा था। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसके डायरेक्टर कौन थे, संजय लीला भंसाली, निर्देशक वही थे छात्रगण, गौर कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट आइएगा छात्रगण अगले अभियान की ओर। देखिए मालवा अभियान, देखिए 1305 में इस अभियान के समय मालवा के शासक महलक देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली पूछेगा मालवा अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था 1305 में। मालवा अभियान के समय वहां के राजा कौन थे, महलक देव थे, है ना। अलाउद्दीन खिलजी की इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी छात्रगण, महलक देव ने, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। नेक्स्ट आइएगा छात्रगण, दक्षिण भारत अभियान, उत्तर भारत अभियान के बाद आएंगे छात्रगण हम लोग। दक्षिण भारत अभियान हेडिंग बनाएगा अपने नोट्स कॉपी में, लाल कलम हरा कलम से बड़ा बड़ा, दक्षिण भारत अभियान, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का मुख्य सेनापति, मलिक काफूर था, नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम शासक था, दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत अभियान किया था। कंप्लीट छात्रगण, नेक्स्ट दीर्घनिशान। अलाउद्दीन के
दक्षिण भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य उद्देश्य अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य उद्देश्य दक्षिण भारत के मंदिरों से और राज्यों से धन संपदा की प्राप्ति करना था, धन संपदा की प्राप्ति करना था, करना था, था, धन संपदा की प्राप्ति करना था, था, वह दक्षिण भारत के राज्यों पर अधिकार नहीं करना चाहता था। कंसेप्चुअल पॉइंट है साधगण, दक्षिण भारत के राज्यों पर अधिकार नहीं करना चाहता था, चाहता था, बल्कि 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 वह उन राज्यों से धन संपदा अर्थात वार्षिक नजराना या कर, वार्षिक नजराना या कर, कर वसूलना चाहता था, वसूलना चाहता था, वार्षिक नजराना या कर वसूलना चाहता था, चाहता था। नेक्स्ट, अब लिखेगा छात्रगण नंबर एक, देवगिरी अभियान, देवगिरी अभियान लिखे। 1307 में दक्षिण भारत में अलाउद्दीन का यह प्रथम अभियान था, अभियान था। यहां के राजा रामचंद्र देव ने, यहां के राजा रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन की अधीनता, अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, स्वीकार कर ली, कर ली, तथा अलाउद्दीन ने इसे दिल्ली बुलाकर, अलाउद्दीन ने इसे दिल्ली बुलाकर राय रायन, राय रायन की उपाधि, की उपाधि प्रदान की थी। देवगिरी की राजधानी दौलताबाद थी, दौलताबाद थी। नेक्स्ट, तेलंगाना अभियान,
तेलंगाना अभियान। लिखिए, तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी। वारंगल थी। 1310 में, सॉरी 1309 में, 1309 में अलाउद्दीन के इस अभियान के समय यहां के राजा काकतीय वंश के प्रताप रुद्र देव गजपति प्रताप रुद्र देव गजपति थे प्रताप रुद्र देव गजपति थे थे नेक्स्ट। इस अभियान के दौरान मलिक काफूर को मलिक काफूर को प्रताप रुद्रदेव गजपति ने कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। नेक्स्ट, होयसल राज्य लिखे 1310 में इस राज्य पर आक्रमण के समय इसकी राजधानी द्वार समुद्रिया हेलेबिड थी। द्वार समुद्रिया हेलेबिड थी थी। नेक्स्ट, यहां के शासक वीर बल्लाल सेन थर्ड वीर बल्लाल सेन थर्ड ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे पांडे राज्य। देखिए 1311 में इस राज्य की राजधानी मदुरई थी।
यहां दो भाई वीर पांडे एवं सुंदर पांडे पांडे ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। मदुरई को मंदिरों का शहर मदुरई को मंदिरों का शहर का शहर भी कहा जाता है। मदुरई को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, देवगिरी का द्वितीय अभियान। नेक्स्ट लिखेंगे छात्रगण, लास्ट है ये। देवगिरी का द्वितीय अभियान लिखे 1313 में देवगिरी के द्वितीय अभियान के समय राजा रामचंद्र के पुत्र शंकर देव थे। इसने अलाउद्दीन को वार्षिक नजराना या कर टैक्स रेवेन्यू जो गछा गया था, जो कहा गया था कि मैं दूंगा हर साल, रामचंद्र देव ने कहा था वार्षिक नजराना या कर देने से इनकार कर दिया। वार्षिक नजराना या कर देने से इनकार कर दिया देने से इनकार कर दिया कर दिया जिसके कारण कारण या आक्रमण किया गया था। इस युद्ध में शंकर देव मारा गया तथा अलाउद्दीन ने देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था मिला लिया था था। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे नेक्स्ट, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तथा इसका उत्तराधिकारी मुबारक शाह खिलजी बना था
बना था। छगन क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का प्रथम अभियान कौन सा था, तो देवगिरी अभियान था। छगन देवगिरी की राजधानी कहां थी, दौलताबाद थी। गौर कीजिएगा यहां के राजा कौन थे, रामचंद्र देव थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली बुलाकर स्वागत किया और राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक को राय रायन की उपाधि दी थी, राजा रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी थी। ये कहां के शासक थे, देवगिरी के। देवगिरी की राजधानी कहां थी, दौलताबाद थी। गौर करेंगे छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगिरी के बाद जो अभियान छात्रगण इसने किया था वह था तेलंगाना अभियान। छात्रगण तेलंगाना की राजधानी कहां थी, वारंगल थी। तेलंगाना में जो शासक थे वो प्रताप रुद्रदेव गजपति थे। किस वंश के थे, काकती वंश के थे। छात्रगण प्रताप रुद्रदेव गजपति ने अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य सेनापति मलिक काफूर को एक ऐसा नायाब तोहफा दिया जिसे पाकर अलाउद्दीन खिलजी भी हर्षित पुलकित हो गया, मस्त हो गया। और वह नायाब तोहफा था कोहिनूर हीरा। ध्यान देंगे छात्रगण, है ना। पूछेगा दक्षिण भारत के किस अभियान से कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई थी, तेलंगाना अभियान से। तेलंगाना की राजधानी कहां थी, वारंगल। यहां के किस राजा ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था, प्रताप रुद्रदेव गजपति। किस वंश के थे, काकती वंश के थे। ध्यान रखिएगा छात्रगण, यह सवाल भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आता है, इसलिए आपको इस पर पहले निगाहें रखनी होगी, ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को छात्रगण अध्ययन करना होगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो कहीं भी दिक्कत और मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़े। एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को गौर करें, एक एक चीजों को याद रखें। छात्रगण दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, दूसरी बात जो आपको मनन करना होगा, दूसरी बात जो आपको अध्ययन करना होगा और आपको एक एक चीज़ों को याद रखना होगा, आपको एक एक चीज़ों को गौर करना होगा, आपको एक एक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आराम से इन्हें हल कर सकें। छगन तेलंगाना अभियान के पश्चात होयसल अभियान किया गया था। छगन होयसल राज्य की राजधानी कहां थी, द्वार समुद्र या हेलेबिड थी। कहां थी छात्रगण, द्वार समुद्र या हेलेबिड थी। होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र या हेलेबिड थी। छात्रगण यहां के शासक थे वीर बल्लाल सिंह तृतीय और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ध्यान रखिएगा छात्रगण होयसल के पश्चात पांडे राज्य पर अभियान किया गया था। पांडे राज्य की राजधानी थी मदुरई, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहां दो राजा थे, वीर पांडे और सुंदर पांडे। इन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता छगन स्वीकार कर ली थी। ध्यान रखिएगा छगन अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने, जो कि दक्षिण भारत अभियान का मुख्य सेनापति था, इसने देवगिरी पर दूसरी बार आक्रमण किया। छगन क्यों किया, उसके पीछे कारण था, राजा रामचंद्र देव जब तक थे तब तक उन्होंने हर वर्ष नजराना वार्षिक कर अलाउद्दीन खिलजी को पहुंचाया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी संतुष्ट था, कोई भी छेड़छाड़ वो नहीं कर रहा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन राजा रामचंद्र देव के बाद जो उत्तराधिकारी बने उसके पुत्र शंकर देव, उन्होंने वार्षिक कर नजराना देना बंद कर दिया दिल्ली सल्तनत को, अलाउद्दीन खिलजी को। और इसी बात पर अलाउद्दीन खिलजी भड़क गए और मलिक काफूर को एक विशाल सेना लेकर के भेजा। मलिक काफूर ने देवगिरी पर दूसरा अभियान किया 1313 में और शंकर देव को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और देवगिरी को दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया गया। छात्रगण ध्यान रखिएगा, तो छात्रगण इस प्रकार से देवगिरी अलाउद्दीन खिलजी के अधीन आ गया। छात्रगण ये सब राज्यों के पर आक्रमण क्रम से पूछे जाते हैं। पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियान के राज्यों को निम्न क्रम से सजाएं। ऑप्शन दे देगा मेवाड़, मालवा, आपको दे देगा गुजरात और चौथा में आपको दे देगा जो है रणथंभौर। अब लेगा इसको सजाइए तो अब जब तक छात्रगण नहीं जानिएगा कि क्या क्रम है, गुजरात के बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तब तक नहीं बनेगा छात्रगण। आपको याद रखना होगा कि गुजरात के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी का अभियान है वो रणथंभौर है, रणथंभौर के बाद मेवाड़ या चित्तौड़ है, उसके बाद मालवा है ना। ठीक उसी प्रकार छात्रगण दक्षिण भारत अभियान को भी दे देगा कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान को क्रमानुसार सजाएं।
तो छात्रगण जब तक आप नहीं जानोगे कि सबसे पहले देवगिरी अभियान किया था, है ना, उसके बाद तेलंगाना हुआ, उसके बाद होयसल हुआ, उसके बाद पांडे हुआ, उसके बाद देवगिरी पर द्वितीय अभियान हुआ, तब तक आपसे सवाल नहीं बनेंगे छात्रगण। इसलिए क्रम से याद रखिए कहां कहां कौन कौन राजा थे, उन राज्यों की राजधानी जो मैंने लिखाई है वो कौन कौन से थी। देवगिरी की दौलताबाद थी, है ना, तेलंगाना की वारंगल थी, होयसल की दौर समुद्र हेलीबेट थी, पांड की राज्य की मदुरई थी। ये सब आपको छात्रगण याद रखना होंगे। कौन कौन राजा थे इसे भी आपको याद रखना होगा। देवगिरी के राजा राजा रामचंद्र देव थे, जिन्हें राय रायन की उपाधि दी गई थी, है ना छात्रगण। प्रताप रुद्रदेव गजपति थे, तेलंगाना के राजा जो कि काकती वंश के थे, है ना। वीर बल्लाल सेन तृतीय थे, होयसल के राजा। वीर पांड और सुंदर पांड थे, पांडव वंश के राजा। ये सब चीजों को आपको छात्रगण याद रखना होगा। देवगिरी पर द्वितीय आक्रमण के समय वहां के राजा शंकर देव थे, ये भी याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण। 1316 में इस शासक की मृत्यु हो गई अलाउद्दीन खिलजी की, और उसके बाद जो शासक बना था वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसे मुबारक शाह खिलजी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा छात्रगण, मुबारक शाह खिलजी लिखिए, इसका कार्यकाल 1316 से 1320 तक था। 1316 से 1320 तक था। नेक्स्ट, यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम सुल्तान था, ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने खलीफा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया तथा स्वयं को खलीफा घोषित किया एवं अल वशिक विल्लाह, अल वशिक विल्लाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, मुबारक शाह खिलजी महिलाओं के वस्त्र पहनकर दरबार में हाजिर होता था। नेक्स्ट, इसे महिलाओं के विपरीत पुरुषों की संगति अच्छी लगती थी। नेक्स्ट, इतिहासकार बरनी के अनुसार, जियाउद्दीन बरनी का नाम सुना होगा छात्रगण आपने। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा छात्रगण, तीर का निशान। इतिहासकार बरनी के अनुसार कभी कभी सनक सवार होने पर यह नग्न अवस्था में दरबारियों के बीच दौड़ने लगता था
दरबारियों के बीच दौड़ने लगता था। नेक्स्ट 1320 में खुसरो शाह ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी तथा स्वयं शासक बन गया क्या सवाल आएंगे छात्र, गौर कीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन बना था? मुबारक शाह खिलजी, जिसे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1316 से 1320 तक था। पूछेगा, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा ऐसा प्रथम शासक था जिसने खलीफा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा कहकर पुकारता था, खलीफा की उपाधि धारण की थी? छतगन, मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा कहा, खलीफा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, बोला कोई जरूरत नहीं है बगदाद में जाने की, मुसलमानों के सरोज धर्मगुरु खलीफा से खिल्लत प्राप्त करने की, दस्तावेज प्राप्त करने की, मैं ही खलीफा हूं, और खलीफा की उपाधि धारण किया था। और तो और इसने अल वसीक बिल्लाह की उपाधि भी धारण की थी, छतगन ध्यान रखेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, मुबारक शाह खिलजी के व्यक्तित्व में कुछ ऐसे ऐसे अवगुण थे जो कि हास्यास्पद नजर आते हैं, आपको हंसी भी आएगी और अफसोस भी लगेगा कि यह कैसा शासक था। छतगन, स्वयं को खलीफा कहना, खलीफा की सत्ता को अस्वीकार करना, अल वसीक बिल्लाह की उपाधि धारण करना तक तो ठीक था, लेकिन यह दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहन करके आ जाता था और इसी में इसको आनंद की प्राप्ति होती थी। छतगन, सभी दरबारी हंसते थे, लेकिन बॉस इज ऑलवेज राइट, चूंकि राजा और सुल्तान का बात था भाई, तो उसे कोई टोकता नहीं था। क्यों टोके, आखिर बिल्ली के गले में घंटी क्यों कौन बांधेगा, है ना, यही चक्कर था छतगन। छतगन दूसरा इसको सनक था, बद्दी साहब ने कहा है जियाउद्दीन बद्दी ने कि कभी कभी सनक सवार हो जाने पर जब ज्यादा सनकी हो जाता था तो दरबार में नग्न अवस्था में दौड़ने लगता था छतगन, इधर से उधर भागने लगता था, नग्न होकर के पूरा कपड़ा उतार देता था। बताइए ये अजैबो गरीब सनक था। पूछेगा कौन सा शासक दरबार में नग्न अवस्था में दौड़ने लगता था? मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन सा शासक महिलाओं के वस्त्र पहनकर दरबार में आता था? मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसे महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संगति ज्यादा पसंद थी, है ना, मुबारक शाह खिलजी था। छतगन ध्यान रखेगा, अजीबो गरीब सनक होने के कारण यह इतिहास में जो है दर्ज हो गया है और इतिहास में इसको याद किया जाता है। जो शासक अलग हट के काम करते हैं छतगन, इतिहास उन्हें भी याद रखता है, चाहे वो काम अच्छे हों या बुरे हों, हीरो और विलेन दोनों इतिहास में याद किए जाते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा छतगन, है ना। बीच वाले आदमी को कभी भी इतिहास याद नहीं करता। आराम शाह का नाम देखिए, आराम करते हुए रह गए, कोई पूछ रहा है? बहराम शाह को देखिए, वो भी आराम करते रह गए, कोई नहीं पूछ रहा है। अलाउद्दीन मसूद शाह को कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन जो यूनिक काम कर रहा है छात्रगण, अलग हटके कर रहा है, वेदर इट विल बी राइट और रॉन्ग, इतिहास उसे याद रखता है। हीरो या तो हीरो या फिर विलेन, हीरो भी तो उच्च कोटि का हीरो और विलेन भी तो उच्च कोटि का विलेन, ध्यान रखेगा। तो छतगन, इतिहास यदि अकबर को याद रखता है तो इतिहास औरंगजेब को भी याद रखता है। अकबर को अच्छे कार्यों के लिए, औरंगजेब को धार्मिक कट्टरता के साथ साथ उसके व्यक्तित्व में निहित अच्छे गुणों के कारण भी, चरित्रवान होने के कारण भी याद किया जाता है। तो छतगन, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को क्यों याद किया जा रहा है, क्यों हम लोग चर्चा कर रहे हैं? महिलाओं के वस्त्र पहन करके आना, एक पुरुष महिला के वस्त्र नहीं पहनता छतगन, लेकिन यह महिलाओं के वस्त्र पहन करके आ जाता था, इसलिए हम लोग इसको याद कर रहे हैं। दूसरा, इसे हम लोग क्यों याद कर रहे हैं छतगन? दूसरा, हम लोग इसको इसलिए याद कर रहे हैं छतगन क्योंकि यह दरबार में नग्न अवस्था में दौड़ने लगता था सनक सवार हो जाने पर। यह भी एक शासक का अजीबो गरीब कारनामा है, यह स्वयं को खलीफा कहता था और खलीफा की सत्ता को अस्वीकार कर देता था,
ये भी यूनिक है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना होगा। महिलाओं की तुलना में से पुरुषों की संगति अच्छी लगती थी, है ना, ये भी इसका सनक भरा अंदाज था, जिसे आपको ध्यान रखना होगा छात्रगण। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गौर कीजिएगा, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा तीर का निशान देके, खिलजी वंश के अंतिम शासक शासक खुसरो शाह शाह की हत्या 1320 में गाजी मलिक मलिक या गियासुद्दीन तुगलक तुगलक ने कर दी तथा एक नए राजवंश तुगलक वंश की नींव डाली, तुगलक वंश की नींव डाली, नींव डाली। नेक्स्ट, खुसरो शाह स्वयं को पैगंबर का सेनापति, पैगंबर का सेनापति कहकर पुकारता था, पैगंबर का सेनापति कहकर पुकारता था, पैगंबर का सेनापति कहकर पुकारता था। छन क्या सवाल आएंगे, गौर कीजिएगा। मुबारक शाह खिलजी के बाद उत्तराधिकारी कौन बना, खुसरो शाह। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, खुसरो शाह था। खुसरो शाह स्वयं को क्या कहकर के पुकारता था, पैगंबर का सेनापति कहकर के पुकारता था। खुसरो शाह की हत्या किसने कर दी थी, गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक ने कर दी थी। कब की थी, 1320 में कर दी थी। किस नए राजवंश की स्थापना की थी, तुगलक वंश की स्थापना की थी गियासुद्दीन तुगलक ने। ध्यान रखेंगे छात्रगण, गियासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक भी कहा जाता है, इसी ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए आपको इस पर भी पैनी निगाहें रखनी होगी, ध्यान देना होगा छात्रगण। छगन खिलजी वंश के पश्चात हम लोग तुगलक वंश की ओर अध्ययन करेंगे। गियासुद्दीन तुगलक, जिसका नाम गाजी मलिक भी था, इसी ने तुगलक वंश की स्थापना की थी छात्रगण। इसका कार्यकाल 1320 से 1325 तक था, है ना, याद रखिएगा छात्रगण। गाजी मलिक इसका एक अन्य नाम था। इसी ने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या की थी और एक नए राजवंश तुगलक वंश की नींव डाली थी। ध्यान रखिएगा, लिखिएगा, तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक, तुगलक का एक अन्य नाम गाजी मलिक था, गाजी मलिक था। इसका कार्यकाल 1320 से 1325 तक था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में सिंचाई प्रणाली या नहर प्रणाली की शुरुआत गियासुद्दीन तुगलक ने ही पहली बार की थी, गियासुद्दीन तुगलक ने ही पहली बार की थी। नेक्स्ट, गियासुद्दीन तुगलक का
प्रसिद्ध सूफी संत, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ, निजामुद्दीन औलिया के साथ हमेशा विवाद चलता था, चलता था तथा तथा निजामुद्दीन औलिया ने एक बार ग्यासुद्दीन तुगलक को क्रोधित होकर हुनूज दिल्ली दूरस्थ, बहुत हिट क्वेश्चन है छात्रगण, हुनूज दिल्ली दूरस्थ अर्थात दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है कहा था, दिल्ली अभी दूर है कहा था नेक्स्ट तीर्थ निशान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की यह उक्ति, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की यह उक्ति उस समय सही साबित हो गई, सही साबित हो गई जब 1325 में ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय करके लौट रहा था तथा दिल्ली के समीप अफगानपुर नामक स्थान में इसके पुत्र जौना खाने इसके स्वागत में लकड़ी का एक मंच बनवाया तथा पागल हाथियों से कुचलवाकर इसकी हत्या करवा दी पागल हाथियों से कुचलवाकर इसकी हत्या करवा दी दी तथा सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की वाणी, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की वाणी सही साबित हुई और सचमुच दिल्ली ग्यासुद्दीन तुगलक के लिए दूर हो गई ग्यासुद्दीन तुगलक के लिए दूर हो गई। छगन ध्यान देंगे
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है। पूछेगा तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1320 से 1325। इसका एक अन्य नाम क्या था? गाजी मलिक। मंगोलों को हराने के उपलक्ष्य में इसने गाजी की उपाधि धारण की थी छादगन, इसलिए इसे गाजी मलिक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा दिल्ली सल्तनत में पहली बार किसानों के लिए नहर प्रणाली या सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। ध्यान रखिएगा छादगन, बहुत इंपॉर्टेंट है। छादगन, गियासुद्दीन तुगलक का विवाद हमेशा चिश्ती संप्रदाय के महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ होता था। छादगन, निजामुद्दीन औलिया एक साधारण कुटिया में रहने वाले व्यक्तित्व और सादा जीवन उच्च विचार को अपनाने वाले व्यक्तित्व थे। इनके पास खुदा के द्वारा दी गई अनेक चमत्कारिक शक्तियां थी जो ये लोगों के कल्याण के लिए, रोगियों के कल्याण के लिए, उन्हें रोग मुक्त करने के लिए उपयोग करते थे। छादगन, गियासुद्दीन तुगलक ने भी इनका काफी नाम सुना हुआ था और वह इनसे मिलने गया तो सैनिकों ने जब जाकर कहा निजामुद्दीन औलिया साहब को कि गियासुद्दीन तुगलक भारत के सुल्तान आपसे मिलने आए हैं, तो इन्होंने कह दिया कि बोलो आम आदमी के साथ पंक्ति में लग करके आएंगे, मेरे लिए सुल्तान हो या आम आदमी हो, आम हो या खास हो, सभी मेरे लिए बराबर हैं, मैं सबको खुदा के संतान मानता हूं, ईश्वर के संतान मानता हूं। छगन, इस बात को सुनकर गियासुद्दीन तुगलक भौंक गया, आक्रोशित हो गया और मन में उसने गांठ बांध ली निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ। छगन, एक दिन निजामुद्दीन औलिया का काफिला उधर से आ रहा था और गियासुद्दीन तुगलक का काफिला जा रहा था, दोनों में टकराहट हुई, काफी वाद विवाद हुआ। गियासुद्दीन तुगलक ने काफी अपशब्द कहे निजामुद्दीन औलिया को और कहा कि मैं भारत का सुल्तान हूं, क्या तुम पहचानते नहीं हो? मैं तुमसे मिलने आता हूं तो तुम कहते हो आम आदमी के लाइन में लग जाओ, ये कहां का न्याय है? गियासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा कि मेरे लिए आम हो या खास, सभी ईश्वर के संतान हैं। तुम सुल्तान हो तो भारत के सुल्तान हो, लेकिन मैं भी अपने दिल का सुल्तान हूं और मुझे भी हर व्यक्ति में सुल्तान नजर आता है, इसलिए तुम्हें आम आदमी के साथ ही पंक्तिबद्ध होकर आना चाहिए। छगन, इस बात से गियासुद्दीन तुगलक और भी आक्रोशित हो गया और उसने कई अपशब्द कहे। छगन, सब्र का भी एक पैमाना होता है और सब्र का पैमाना जब छलक जाता है, सब्र की दीवार जब ढह जाती है, सब्र का तूफान जब आ जाता है तो जल जला आता है। छगन, सूफी संत ने एक सीमा तक बर्दाश्त किया, लेकिन जब देखा कि गियासुद्दीन तुगलक लगातार असंसदीय भाषाओं का प्रयोग कर रहा है, अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो उन्होंने केवल एक पंक्ति कही, सुनो सुल्तान, हुनूज दिल्ली दूरस्त, जिस दिल्ली पर तुम गर्व करते हो वही दिल्ली तुमसे दूर हो जाएगी, दिल्ली अभी दूर है, जाओ। छगन, सूफी संतों की वाणी, आकाश की वाणी, ये सब कभी भी मिट नहीं सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती है। चमत्कार को नमस्कार, चमत्कारिक व्यक्ति ने कह दिया था तो उसे तो पूरा होना ही था, ये ईश्वर का फरमान हो गया था जारी। छगन, 1325 में बंगाल जैसे बड़े राज्य को विजित करके यह लौट रहा था। इसके पुत्र जौना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसने अपने अब्बा हुजूर के याद में इस शानदार जीत के लिए एक शानदार समारोह का आयोजन किया और मोहम्मद गियासुद्दीन तुगलक को दिल्ली के ठीक पहले अफगानपुर नामक स्थान में ही रोक दिया गया। छगन, अफगानपुर नामक स्थान में रोक करके जौना खां ने कहा कि अब्बा हुजूर, आपने इतनी महत्वपूर्ण विजय को प्राप्त किया, आप बंगाल विजय करके लौट रहे हैं, आपको मैं दिल्ली में यूं ही प्रवेश नहीं करने दूंगा, दिल्ली में आपका प्रवेश गाजे बाजे के साथ, पूरे स्वागत के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ होगा। छगन, गियासुद्दीन तुगलक खुश हो गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि सूफी संत की वाणी दस्तक दे रही है, मौत उसके दरवाजे पर खड़ी है और जिंदगी उसे अलविदा कहने वाली है। छगन, 1325 में दिल्ली के ठीक पहले अफगानपुर नामक स्थान में इसके स्वागत के लिए लकड़ी का मंच बनवाया इसके पुत्र जौना खां ने और पागल हाथियों को चढ़वाकर अपने ही पिता की हत्या करवा दी और इस प्रकार से सूफी संत की वाणी सही साबित हुई, ये याद रखना होगा। छगन, पूछेगा किस सूफी संत ने गियासुद्दीन तुगलक को कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त? निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक को क्या कहा था? हुनूज दिल्ली दूरस्त। हुनूज दिल्ली दूरस्त का अर्थ क्या होता है? दिल्ली अभी दूर है। छगन,
ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है। इसलिए छात्रगण एक एक चीजों पर पैनी निगाहें रखें, एक एक चीजों को याद रखें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को स्मरण करें, एक एक चीजों को आपको याद रखना होगा। छात्रगण पूछेगा ग्यासुद्दीन तुगलक की हत्या किसने करवा दी? जौना खां ने। जौना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक की हत्या कब हुई? 1325 में। कहां? दिल्ली के निकट अफगानपुर नामक स्थान में। ग्यासुद्दीन तुगलक किस विजय से लौट रहा था? बंगाल विजय से। कब? 1325 में लौट रहा था। छात्रगण एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों का स्मरण करें, एक एक चीजों को याद रखें। गाजी मलिक ग्यासुद्दीन तुगलक से जुड़े हुए हर पहलू को याद रखना होगा। सिंचाई प्रणाली का जन्मदाता एक, तुगलक वंश का संस्थापक दो, गाजी मलिक की उपाधि धारण किया था तीन मंगोलों को हराने के उपलक्ष में, है ना। नहर प्रणाली का जन्मदाता यही था, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ हमेशा इसका विवाद चलता था, और इसी विवाद के परिणाम स्वरूप निजामुद्दीन औलिया साहब ने कह दिया था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। और सही मायनों में दिल्ली इसके लिए दूर हो गई। तो छात्रगण एक एक बातों को गौर करें, एक एक चीजों को याद रखें, एक एक चीजों को स्मरण करें, एक एक चीजों का अध्ययन करें, एक एक चीजों को आपको दिमाग में सेट करके रखना होगा, ताकि तुगलक वंश से जुड़े हुए, ग्यासुद्दीन तुगलक से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न पूछे जाए तो दिक्कत और मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़े। छात्रगण अगली कक्षाओं में हम लोग जानेंगे उस सुल्तान के बारे में जिसे पागल या अभागा सुल्तान कहा जाता है। छात्रगण जिसे अंतर विरोधों का मिश्रण कहा जाता है, जिसे रक्त पिपासु कहा जाता है, जिसे समय से आगे सोचने वाला कहा जाता है। यद्यपि वह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान था, वह एक धर्मनिरपेक्ष सुल्तान था, होली के उत्सव में भाग लेता था, लेकिन वह पागल भी था और अभागा भी था। छात्रगण हम लोग बात कर रहे हैं जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, आनंद आएगा आपको सुनने में भी, समझने में भी, और इस शासक के बारे में जानने में भी। आपको मोहम्मद बिन तुगलक से हम लोग अगली कक्षाओं में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।